हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हिंदी सीरीज़ में कक्षा 10 से यूपी बोर्ड से ये चैप्टर नंबर 5-6 है, हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति। ये दोनों रचनाएं माधवी वर्मा जी द्वारा हैं। इन्हीं पे हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि पार्ट 3 में। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, जो कि अति लघु उत्तरी प्रश्न से है। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि महादेवी वर्मा जी का जन्म कब और कहां हुआ था। तो उत्तर में लिखेंगे, महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, महादेवी वर्मा ने संस्कृत में स्नातकोत्तर की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो उत्तर लिखेंगे, महादेवी वर्मा जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। प्रश्न नंबर 3 है, महादेवी वर्मा बौद्ध धर्म की दीक्षा कब लेना चाहती थी। उत्तर लिखेंगे, महादेवी वर्मा सन 1929 में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहती थी। प्रश्न नंबर 4 है, महादेवी वर्मा ने किन की प्रेरणा से समाज सेवा आरम्भ की। तो उत्तर लिखेंगे, महादेवी वर्मा ने गांधी जी की प्रेरणा से समाज सेवा आरंभ की। प्रश्न नंबर 5 है, महादेवी वर्मा ने साहित्य अकादमी की स्थापना कब की। तो उत्तर लिखेंगे, महादेवी वर्मा ने सन 1956 में साहित्य अकादमी की स्थापना की। महादेवी वर्मा को डी लिट की उपाधि कहाँ से प्राप्त हुई। उत्तर लिखेंगे, महादेवी वर्मा जी को विक्रम दिल्ली तथा कुमायूं विश्वविद्यालय से डी लिट की उपाधि प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 7 है कि महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने किस सम्मान से अलंकृत किया है। सो उत्तर लिखेंगे, महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया है। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा का को किस रचना के लिए मिला है। भारतीय जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। उत्तर लिखेंगे, महादेवी वर्मा को यामा काव्य के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ध्यान में रखेंगे, यामा काव्य के लिए। प्रश्न नंबर 9 है, महादेवी वर्मा को दो काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो ध्यान में रखेंगे, इनकी दो काव्य रचनाएँ इस प्रकार से है, नीरजा एवं निहार। महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था। तो उत्तर लिखेंगे, महादेवी वर्मा जी का निधन 1987 में हुआ था। अब आगे हम लोग देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न को। सो पहला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। पहला ऑप्शन दे रखा है मेरठ, दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा है मुरादाबाद, चौथा है फर्रुखाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही है, फर्रुखाबाद में। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की कृति है। पहला ऑप्शन है स्वप्न, दूसरा ऑप्शन है मानसी, तीसरा है निर्जा और चौथा है ग्राम में गीत। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही है, निर्जा, जो कि महादेवी वर्मा जी की कृति है। प्रश्न नंबर 4 है, महादेवी वर्मा ने संपादन कार्य किया था। किसका संपादन कार्य किया था। पहला ऑप्शन है सरस्वती पत्रिका का, दूसरा ऑप्शन है चांद पत्रिका का, तीसरा है हिंदू पत्रिका का और चौथा है हंस पत्रिका का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही है, चांद पत्रिका का। और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से महादेवी जी की काव्य कृति है। पहला ऑप्शन है निहार, दूसरा है मेरा परिवार, तीसरा ऑप्शन है पथ के साथी और चौथा है स्मृति की रेखाएं। तो काव्य कृति की बात करते हैं, इनका राइट आंसर हो जाएगा निहार, जो है कि काव्य कृति है। निहार और निर्जा दोनों ध्यान रखेंगे, महादेवी जी की काव्य कृति है। सो इसी के साथ है आपका बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी प्रश्नों का जो संग्रह था कम्प्लीट होता है। इस चैप्टर का इतना ही क्वेश्चन था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।